वो तो वेब सीरीज ने लॉन्डो का दिमाग खराब कर रखा है, वरना ध्यान से देखो तो लड़कियां भी छोटे बच्चों से कम नहीं होती। वो तो वेब सीरीज ने लॉन्डो का दिमाग खराब कर रखा है, वरना ध्यान से देखो तो लड़कियां भी छोटे बच्चों से कम नहीं होती। और गर्लफ्रेंड बनाने को तरसते हैं आजकल के नौजवान इन्हें, सच कहूँ तो इनकी दोस्ती भी यारों किसी जन्नत से कम नहीं होती। आप लोगों ने सुना होगा रणवीर कपूर और आलिया भट्ट आगे बढ़ रहे हैं। तो रिपोर्टर गया रणवीर कपूर के पास, खुदा ही जाने क्या होगा सिला इस अंजाम का, माना कि कसूर नहीं होता है नादान का, पर इतनी भी जल्दबाजी क्या थी रणवीर तुम्हें, क्या तुम्हें पता नहीं जल्दबाजी का काम होता है शैतान का। तो रणवीर कपूर ने रिप्लाई किया रिपोर्टर को, बचपन का प्यार अचानक से मिल जाने से, बचपन का प्यार अचानक से मिल जाने से, एक अरसे बाद जमी पर फूल के खिल जाने से, इतना हुआ एक साइड की उसी का सिला है ये, बस ज़्यादा नहीं दो बूंद रायते के फैल जाने से। सिंगल होने का दर्द मैं अकेले सह लेता हूँ, यही बात सोच यार मैं खुश रह लेता हूँ, जितने दिन आजकल के रिलेशनशिप चलते हैं दोस्तों, उतने दिन तो यार मैं बिना नहाए रह लेता हूँ। अभी दिल का सवाई पूछ रहे थे कि रिलेशनशिप के टिप्स बताओ। तो मैंने अभी उनसे तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कहूँगा, सामने हो गर्लफ्रेंड तो चांद को कौन पूछता है, जैसे आईफोन के आगे सैमसंग को कौन पूछता है। सामने हो गर्लफ्रेंड तो चांद को कौन पूछता है, जैसे आईफोन के आगे सैमसंग को कौन पूछता है। सिंगल हूँ फिर भी रिलेशनशिप की टिप्स मांगते हो मुझसे, अरे भला अंधे से रास्ते का पता कौन पूछता है। मावस की रात में चांद देखने जैसा मुश्किल है, गैरों की भीड़ में अपना ढूंढने जैसा मुश्किल है, आज के दौर में गर्लफ्रेंड बनाना मानो IAS का पेपर निकालने जैसा मुश्किल है। उसकी आंखें मुझे बर्बादी का जाम पिला देती हैं, वो मोमोज की लाल चटनी उसकी याद दिला देती है। उसकी आंखें मुझे बर्बादी का जाम पिला देती हैं, वो मोमोज की लाल चटनी उसकी याद दिला देती है। मैं रात होते होते उसको भूल भी जाता हूँ, मगर सुबह होते ही मम्मी मुझको बादाम खिला देती हैं। उसे पाना जैसे बरसों का अरमान हो मेरा, उसके नाम के आगे बस नाम हो मेरा, रात भर उसे याद ऐसे करता हूँ मानो जैसा सुबह सवेर बोर्ड का एग्ज़ाम हो मेरा। और आपने सुना होगा लड़के भाभियाँ पटा रहे हैं और लड़कियाँ अंकल पटा रही हैं, ठीक है ना। हैंडसम लोगों को वो साइड में हटा रही है, मैं अपनी नहीं सबकी कह रहा हूँ। हैंडसम लोगों को वो साइड में हटा रही है, खुशी वाली बात रो रो कर बता रही है, हम जैसे लौंडे सिंगल इसलिए भी रह गए हैं दोस्त, हमारे उम्र की लड़कियां हमें छोड़ अब अंकल पटा रही हैं। और जब रिलेशनशिप के 2 साल होते हैं और शादी के 2 साल होते हैं तो क्या अंतर होता है। रिलेशनशिप के 2 साल बाद लड़की पूछती है, बाबू मैं कैसी लग रही हूँ, तो बाबू क्या कहता है, आवारा। सुनो, शादी से पहले बाबू, फिर देखो, आवारा पागल दीवाना हमको बनाकर मानेगी, अपनी आशिकों की लिस्ट में नाम चढ़ाकर मानेगी, वो लड़की कुछ भी पहन ले हर ड्रेस में कह डाती है, ये लड़की ज़रूर मेरी आंखों पर चश्मा चढ़ाकर मानेगी। ठीक है, कठिन जैसी फीलिंग आती है। वही लड़की शादी के 2 साल बाद पूछती है, जानू मैं कैसी लग रही हूँ,
तो जानू क्या करता है? उस खुदा को भी हंसा दे, ऐसी मूरत लग रही है तू, सच कहूं फराह खान की सूरत लग रही है तू। उस खुदा को भी हंसा दे, ऐसी मूरत लग रही है तू, सच कहूं तो फराह खान की सूरत लग रही है तू। कैसे करूं तेरी तारीफ, मेरे समझ नहीं आ रहा यार, लक्स साबुन से नहाकर भी बदसूरत लग रही है तू। और शादी करो तो ससुराल कैसा होना चाहिए? खूबसूरती ना हो तो वो चेहरा बेकार है, जिसमें धोखा ना हो तो वो प्यार बेकार है। खूबसूरती ना हो तो वो चेहरा बेकार है, जिसमें धोखा ना हो तो वो प्यार बेकार है। बीबी नाटी हो लंबी हो कोई फर्क नहीं दोस्त, मगर साली ना हो जिसकर तो वो ससुराल बेकार है। बस दो बचे हैं। स्नैपचैट के फिल्टर टटोल नहीं सकता, तेरी खूबसूरती की पोल मैं खोल नहीं सकता। स्नैपचैट के फिल्टर टटोल नहीं सकता, तेरी खूबसूरती की पोल मैं खोल नहीं सकता। जितनी करनी थी तारीफ तेरी कर चुका हूँ जान, इससे ज़्यादा मैं झूठ और बोल नहीं सकता। और एक आखिरी है ऑडियो वाला थोड़ा। जब से छोड़ कर गई तू यही फरियाद कर रहा हूँ, टूटे दिल वालों को अपने साथ कर रहा हूँ। जब से छोड़ कर गई तू यही फरियाद कर रहा हूँ, टूटे दिल वालों को अपने साथ कर रहा हूँ। क्या बीत रही है इस दिल पर बस इतना समझ लो तुम। धन्यवाद।